नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। सब इसी जद्दोजहद में लगे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में किन चेहरों को मौका मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बन चुकी है। इस बार एनडीए गठबंधन में भाजपा ने सबसे अधिक 74 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं जदयू ने 43 सीटों पर जीत हासिल की। जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 4-4 सीटों पर जीत हासिल हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ कुल 14 नेताओं ने भी मंत्री पद का शपथ लिया था। उन सभी नेताओं के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया था, जिसमें लगभग अधिकांश मंत्रियों के पास 5-5 विभाग चले गए थे। इस मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले जदयू विधायक मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। आपको बता दें कि ये वही मेवालाल चौधरी हैं जिनके ऊपर कुलपति रहते घोटाले का आरोप है। इसके बाद मीडिया में लगातार यह खबर चलने लगी, विपक्ष हावी हो गया। राजद ने मेवालाल चौधरी का एक वीडियो भी पोस्ट करते हुए लिखा था कि बिहार के नए शिक्षा मंत्री को राष्ट्रगान भी नहीं आता। काफी फजीहत होने के बाद पदभार ग्रहण करने के कुछ घंटे बाद ही मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था। इस तरह से मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री को छोड़कर कैबिनेट में 13 मंत्री शामिल हैं, जिसमें जदयू के 4 मंत्री ही शामिल हैं। अब मंत्रिमंडल विस्तार में सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बिहार में कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो जल्द ही एनडीए की बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक में मंत्री पद के लिए 22 और नए चेहरों का नाम फाइनल हो सकता है। इसमें देखना दिलचस्प होगा कि क्या नई सरकार में किसी मुस्लिम चेहरे को मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत हासिल करने में सफल नहीं हो पाया था। भाजपा ने तो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ही नहीं दिया था, जबकि जदयू ने कुल 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन जदयू का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत हासिल करने में सफल नहीं हो पाया था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि किसी मुस्लिम चेहरे को मंत्री बनाया जाता है या नहीं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि किसी एक मुस्लिम चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू की तरफ से किसी मुस्लिम नेता को मंत्री बना सकते हैं। हालांकि यह बात भी तय है कि इस नए मंत्रिमंडल में भाजपा के ज्यादा मंत्री होंगे, वहीं जदयू के तरफ से 11 और चेहरे जुड़ सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि बीएसपी के तरफ से चुनाव जीत कर आए जमा खान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि जमा खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्री बनाने का भरोसा दिलाया है। वहीं चर्चा यह भी है कि राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जदयू में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार के लिए राजद के ही कुछ नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अभी तक किसी दूसरी पार्टी में जाने की बात नहीं कही है। कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि जदयू इन्हें एमएलसी बनाकर मंत्री बना सकती है, ताकि विपक्षी पार्टी को झटका दिया जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो नई सरकार के लिए मंत्रिमंडल विस्तार काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किन किन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।